दोस्तों ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा फास्ट सिल्वर डाइटर कैसे बनना है, टीम में फास्ट सिल्वर डाइटर कैसे बनाना है, 1 लाख पे आउट कैसे लेना है, महीने का 6 लाख पे आउट कैसे लेना है। तो ध्यान से दिल से देखिए, टीम के साथ बिट कर देखिए, स्पीकर लगा कर देखिए, इसको दो दो बार देखिए, ट्रेनिंग में देखिए और इसके ऊपर काम करिए। आपकी जिंदगी बदलने वाला वीडियो होगा। चलो रेडी हो जाओ वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिए। अगर आप बिजनेस में सनेज के अंदर नए नए शुरुआत किए हो, या आप लीडर हो, आपकी टीम में कुछ नया लेग ओपन हुआ है, या आपकी टीम में जो भी नए लोग आ रहे हैं, उन लोगों का अगर आपको लगता है कि भविष्य सिक्योर हो जाए, या आपको भी लगता है कि सनेज में आपको भी पैसा मिले, आपको भी बड़ा बड़ा चेक मिले, आपको अभी बिजनेस फास्ट ग्रो हो जाए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट ऑफ फास्ट सिल्वर डायरेक्टर। सीक्रेट ऑफ फास्ट सिल्वर डायरेक्टर आपको फास्ट बनना है तो फास्ट ट्रैक स्टार से शुरुआत करना होगा। क्या? फास्ट ट्रैक स्टार से शुरुआत करना होगा, क्योंकि हमारे पास 90-95% लोग फास्ट ट्रैक से शुरुआत कर रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक क्या है? 15,000 पीवी। और सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए कितना पीवी लगता है? 80,000 पीवी। कितना पीवी? ऑलमोस्ट 80,000 पीवी लगता है। अगर आप प्रीमियम सिल्वर डायरेक्टर हो, प्रीमियम, तो उसको 70 ही लगते हैं। मतलब कैलेंडर मंथ, एक कैलेंडर महीने के अंदर आप अगर 70,000 पीवी करते हो तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो। लेकिन ऐसा तो समझिए कि आप 80,000 पीवी का दिमाग में लेकर चलिए कि 80,000 पीवी मुझे करने है, तो मैंने फास्ट ट्रैक लिया तो मेरा ही 15,000 पीवी हुआ, 15,000 पीवी हुआ। और 5 लोग अगर मैं इसके अंदर लाऊंगा 15,000 पीवी से, तो कितना हुआ? 75,000 पीवी, ऑलमोस्ट कितना? 90,000 पीवी मिल गया। अगर ये 5 लोग मेरे बिजनेस में, ये मैं खुद हूं और ये और 5 लोग बिजनेस में आते हैं, तो मैं टोटल टीम मेरा बनता है 6 लोगों का और नेटवर्क पीवी टर्नओवर होता है मेरा कितना? 90,000 लोगों का। तो ये जो मैं अगर बिजनेस शुरुआत करता हूं, मेरा अगर व्हाई क्लियर होता है, मैं अगर प्लान देखने के लिए 1-2 घंटा लगेगा मुझे सीरियस होने के लिए। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको फास्ट सिल्वर बनना है तो यूट्यूब के ऊपर 50-60 लोगों के प्रोडक्ट रिजल्ट सुने, वो हेल्थ के हो, एग्री के हो, जिसके भी आप काम कर रहे हो। उसके बाद बॉडी समझ लीजिए, बॉडी गंदगी की होती है, बॉडी के अंदर गंदा क्यों बीमारी पैदा हो रही है, उसको साफ करने का तरीका क्या है, तो यूट्यूब के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप करिए। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है? हेल्थ अवेयरनेस, बॉडी समझ लीजिए, प्रोडक्ट रिजल्ट सुन लीजिए, और फिर कुछ लोगों की इनकम की शेयरिंग सुनिए, स्पीच सुनिए 2-4-5 लोगों की, बड़े बड़े क्राउड गर्दी देखिए। ये 1-2-3 घंटे अगर आप ये आपके दिमाग में डाल देते हो, तो आपको हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सनेज के ऊपर भरोसा हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। कोई भी हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट देखते हैं तो उसका रेटिंग क्या है, कुछ ने क्या कमेंट वाला रिव्यू देखते हैं। अगर आपको सनेज के अंदर फास्ट ग्रो करना है तो आपको विश्वास की जरूरत है, क्योंकि आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, उन सभी लोगों को ये प्रोडक्ट की जरूरत है, इसकी पैसे की जरूरत है। लेकिन अगर आपने शुरुआत किया और आप ही डाउट में भरे पड़े हो, डर है अंदर और लगता है करूँ या ना करूँ, लोग क्या कहेंगे, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो रहे हो, तो कैसा बन जाओगे? नहीं बन जाओगे ना, जैसे थे जहां से शुरुआत किया वैसे ही जाओगे। और मार्केट के लोग जो मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ सवाल पूछने वाले हैं। अगर हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई हम धनिया लेते हैं, कोई फ्रूट्स लेते हैं, तो बार्गेनिंग करते, सवाल पूछते। तो अगर आपने धंधा शुरू किया है तो आपके पास भी सवाल आने वाले हैं, लोग अलग अलग सवाल पूछने वाले, तो आपका वो कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ जुड़ने से, प्रोडक्ट लेने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। यूट्यूब के अंदर ESCSI यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, प्रोडक्ट रिलेटेड और पैसे कमाने वाले लीडर रिलेटेड स्पीच सुनिए, भर दीजिए। जैसा कुछ गलत लिखने के बाद इरेज होता है, खेती में कुछ बोने से बाद ही, बोने से पहले उसका मतलब तन निकल जाता है, उसका गवत विवत निकाल देते हैं हम लोग, और फिर वो खेती करने लायक हो जाती है। तो हमारे मन के अंदर जब हम जुड़े नहीं होते, प्लान देखते हैं, तो कुछ सवाल होते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ डाउट क्रिएट होते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, करूँ या ना करूँ, लोग आएगा, कैसा बोलना है, क्या बोलना है। तो पहला आपको खुद तैयार होना होगा, सूरज प्रकट होता है या प्रकट होता है। और कर्म सिद्धांत क्या है? आप जिस नियत के साथ कर्म कर रहे हो उस हिसाब से फल मिलता है। आपको लगता है कि किसी का बुरा होना चाहिए?
सभी का भला होना चाहिए आपको लगता है ना, तो सभी का भला होने के लिए आपकी नीयत अगर अच्छी है तो आपका गुण कर्म होने वाला है। फिर उसके अंदर किसी का भला हो या ना हो, आप कौन हो? भगवान सभी के है, डॉक्टर तो सभी के, सभी लोग अपना अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो अच्छा बुरा कर्मों के हिसाब से होता है। तो कभी कभी हम चाहतों के हिसाब से चीजें नहीं चलती। तो एज अ सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए आपके अंदर पूरा जोश जुनून, पूरा ट्रस्ट के साथ बिलीफ लेवल होना चाहिए। कब? जब आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे, प्रोडक्ट बेचने से पहले, किसी को प्लान दिखाने से पहले, जब आपका सीनियर आपके साथ आएगा उससे पहले सीनियर का एनर्जी 200% और आपका एनर्जी 300% चाहिए। और फिर आपको समझने आना चाहिए कि इसके सिवा मुझे कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ये व्हाई क्लियर होना जरूरी है। लेकिन आप ही कंज्यूमर एंगल से हो, कस्टमर टाइप के हो, मैंने डाला है, मैं करूंगा, मैं होगा, ये महंगा है, ये सस्ता है, मैं विश्वास नहीं दूंगा, मेरा जॉब है, मेरी धंधा है, मेरे नहीं। आपको अगर फास्ट सिल्वर डाइटर बनना है तो आपका बिलीफ लेवल बढ़ाना होगा। आप निगेटिव सुनोगे तो निगेटिव होगे, पॉजिटिव सुनोगे तो पॉजिटिव होगे। अगर आपका एग्जाम्पल कोई भी एज हो, आपका 25 साल का एज है, 30-40 साल का एज है, जानबूझकर अनजाने में आज तक निगेटिव डाउनलोडिंग हुआ है। अगर 40-50-20-25-30-40 साल का जो निगेटिव इनपुट अंदर गया है उसको अगर धोना है तो सनेश का 20-25-30-40 घंटा सुनना होगा ना। सुनिए ना, एक एक दो दो घंटा जो भी न्यूज देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, वो सब हटा कर जोश बनाइए, सनेश प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ बनाइए, कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए और पकड़िए आपने सीनियर का। अगर शादी के लिए 1000 लोगों को लिस्ट बनाते हो तो इसके लिए बनाओ ना 50-100 लोगों का लिस्ट, और आपका कॉन्फिडेंस और सीनियर का नॉलेज, और फिर आपके रिलेटिव फ्रेंड लोगों को ये प्रोडक्ट, ये प्लान बताइए। मुझे गारंटी है जो आपको 6 लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए? 6 लोग, सॉरी टोटल 5 लोग आते हैं तो 75,000 PV और आपका 15,000 PV आता है तो 90,000 PV और आप सिल्वर डाइटर बनते हो। तो अगर 5 लोग लेने के लिए अगर हम 25 लोगों को बोलेंगे कि मेरे पास जबरदस्त बढ़िया है अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, तेरा कर्जा नहीं लो सकता है, तेरा EMI जा सकता है, तू जॉब करते करते पैसा मिल सकता है, बहुत अच्छा है, मुझे बोलना है, मतलब ये इन्विटेशन आपको सीखना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, लिस्ट बनाना होगा, किस तरह से बातें करनी है सीनियर के साथ, उनको सवाल पूछना होगा, मेरा एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, उनको मुझे बताना है कैसा बताऊं, तो वो प्रैक्टिकल डेमो करके 4-5 लोगों को ट्रेन होना होगा कि लोगों के साथ बात क्या करना है। अगर बात गलत करोगे तो लोग सवाल पूछेंगे, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे और फिर आप बोलोगे बिजनेस तो आसान नहीं है, मुश्किल है। सीखने से पहले अगर कोई बाल काटने का सीखे नहीं वो और आपको 2 कोटि का शॉप डाल कर दिया ना तो कस्टमर आपको जूते मारेगा। अगर कोई लेडी है वो भी वो ब्लाउज सिलाने के लिए सीखती है, कुकिंग भी सीखना पड़ता है, आज फेशियल मेकअप आर्टिस्ट सीखते हैं लोग, MSI टीचिंग है, छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ती है। तो ये सिल्वर डाइटर बनने के लिए जो प्रोडक्ट बेचने और लोगों को जुड़ाना है ये सीखना नहीं होगा क्या? लोग आपके ऐसे ही मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे भाई। 15-17 साल जॉब में पढ़ने के बाद भी कर्जे में लोग, रिटायरमेंट तक गरीबी में जी रहे, मर रहे लोग, आज हर जगह पे पैसे के प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको किसी ने मर्सिडीज दिखाया, लाखों करोड़ रुपए दिखाया, बड़े बड़े इनकम दिखाए, यहाँ पे बहुत इजी है, लेकिन कब होगा? वो सीखने से बाद होगा, सीखने से पहले नहीं। तो अंडरस्टैंड करना होगा, रिजेक्शन के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आप नए हो, अभी अभी जुड़े हो, आपको अलग अलग सवाल के जवाब देना पता नहीं है। आपको जिसने भी बिजनेस दिखाया उनके पास नॉलेज था, उन्होंने सब प्रोडक्ट दिखाए, डेमो दिखाए, रिजल्ट दिखाए, इनकम दिखाया, माहौल दिखाया, टूल दिखाए, परफेक्शन के साथ दिखाया। अगर आप अभी किसी को तैयार करने जाओगे तो वो आपके ऊपर इमीडिएट भरोसा रखेगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। लेकिन अगर आप भाई बन टैलेंटेड हो तो आप बिना सीखे भी कर सकते हो भाई, लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं होंगे ना आपके टीम में, आप कर सकते हो लेकिन आपके टीम में ऐसे लोग क्या नहीं होंगे। तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आपने सिस्टम फॉलो किया, आपका व्हाई क्लियर होगा, आपने एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट 40 या 100 लोगों का लिस्ट बनाया आपने, उसके लिस्ट के अंदर आपने कॉल एंड इनवाइट की टेक्निक समझ ली और फिर सीनियर के साथ टॉक करके समझ लिया और सीनियर का समय लिया 1-2-3 लोगों दिन के लिए और आपने टारगेट किया कि मैं 50 लोगों को मिलूंगा। कितने लोगों को? 50 लोगों को सर मैं आपको मिलाऊंगा। किसी के घर में? आपके घर में बुलाओ, या किसी को होटल में 3-3-4-4 लोगों को बुलाओ, या कोई छोटा सा हॉल ले लो और उनको सब जगह पे सही इंफॉर्मेशन के साथ उनको सीनियर के साथ कनेक्ट करिए। जैसा आपको सीनियर ने जुड़ाया बिजनेस में वैसा ही आपके
50 लोगों को आपने अगर वो इनवाइट किया तो हो सकता है 25-30 लोगों प्रोग्राम सुनने के लिए आएंगे, बिजनेस देखेंगे, उसके अंदर से 5-10 लोग अगर आपको नहीं मिलते बिजनेस के लिए कोई इशू नहीं है, उसके अंदर से कुछ लोग प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन हमारे पास 100 में से वर्ल्ड वाइड रेशियो क्या है, कितना टक्का लोग जुड़ते, 10% रिजल्ट आता है, 100 में से 10% लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स, हमारा सिस्टम के जो लोग है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा टैलेंट है, जो हमारे लीडर्स सिस्टम के लोग के साथ काम करते हैं ना, ऑलमोस्ट 50-60-70-80% रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन डिपेंड है जिनके लोग है उनका रिश्ता कैसा है, उसकी पॉजिटिव लेवल क्या है, उनका मोटिवेशन क्या लेवल का है, आपके ऊपर बहुत सारे चीज डिपेंड है। तो अगर 50 लोग इन्वाइट करते हो, 50 लोग क्योंकि अंदर से 25-30 लोग प्रोग्राम में आएंगे, हमें समय देंगे, आपके घर में इन्वॉल्व हो गए या 1-on-1 में आएंगे, अगर ये 25-30 लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो मेरे दावा है 4-5 लोग हाँ ना बोलेंगे, कुछ कुछ किसी को सोना भी पसंद नहीं है, किसका भगवान सभी को पसंद नहीं है, सभी को ये प्रोडक्ट, सभी को प्लान कंपनी पसंद नहीं आएगी, तो आप सबके पसंद के हिसाब से जीवना नहीं है, आपने स्टार्ट किया तो अभी आपको करना है, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, किसी को बिजनेस अच्छा लगेगा, सही है विशन, प्रोडक्ट अच्छा, किसी को बिजनेस अच्छा लगेगा और किसी को बिजनेस प्रोडक्ट दोनों भी अच्छे लगेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हो गए उनको कुछ अच्छा लगेगा नहीं, तब मैं क्या सोचता था, या तो मेरा कर्म गलत है, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, या उसका ठीक नहीं है, नेक्स्ट वन मैं रुकता नहीं था, मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगा, समय काल किसी के लिए रुकता है क्या, तो कभी नहीं रुकना है। अगर ये 25-30 लोगों को हमने 2-3 दिन में प्लान दिखाते हैं तो इसके अंदर से 20 लोग, कितना लोग, 20 लोग अगर हमारे साथ बिजनेस शुरुआत करते उसके अंदर से 4-5 लोग हमारे कस्टमर एंगल से आएंगे, उसके बाद कुछ 10 लोग कुछ कम पीवी से शुरुआत करेंगे, हो सकता है फाइनेंशियल नहीं, लेकिन 10 लोग हमारे पास अगर फास्ट टैग से स्टार्ट करते 15,000 पीवी से स्टार्ट करते 3-1,50,000 पीवी, इतना सेल होता है और ये पॉसिबल है, भाई एक दिन में 50-50 लोगों तक तो प्लान दिया है, रिसेंटली मैंने 125 लोगों का प्लान किया, उसके अंदर से ऑलमोस्ट 100 लोग नए गेस्ट थे, गेस्ट 2-2.5 घंटे में ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट क्रिएट किया, व्हाई नॉट, आपके सीनियर बहुत पावरफुल है, परिपक्व है, अगर आपके सीनियर परिपक्व पावरफुल नहीं है, सीनियर अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपको परफेक्ट के इनके साथ जाना होगा, क्योंकि नए लोग एक छोटा सा बीज होते हैं, आप उनको कैसा गाड़ते हैं, उनको कैसा केयर करते हैं, किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उसी तरह से उनको बीज लगने वाले हैं, लेकिन बीज आप हो, नए डिस्ट्रीब्यूटर आप हो, सबमिट हो जाओ, भरोसा देना होगा, और फिर ये सब प्रोसेस में शुरुआत में पहला वीक थोड़ा मुश्किल है, पहला महीना उससे थोड़ा मुश्किल है, फिर पहले 3 महीने बहुत थोड़े से ज्यादा मुश्किल होगी, और फिर 6 महीने के लिए बहुत तकलीफ होगी, जैसा बच्चा स्कूल में जाता है, कोई जॉब चेंज करता है, कोई घर चेंज करता है, कोई लड़का लड़की शादी होकर अगर वो ससुराल पे आती है ना, सब नया नया होता है, तो आपके लिए बिजनेस नया नया होगा, बहुत सारे एंग्जाइटी क्लियर होगी, मन आए करेगा छोड़ दो, मन करेगा नहीं होगा, मन करेगा नेगेटिव, कुछ बोलेगे साबुन बेच रहा है, कुछ बोलेगे तेल बेच रहा है, कुछ 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 भी बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना आपके पिताजी का बीमारी का हॉस्पिटल का बिल आपको ही पे करना है, आपकी पत्नी की साड़ी आपको ही लेनी है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको ही उठना होगा, आप पत्नी हो तो पति के लिए आपके घर के लिए सपोर्ट आपको ही करना होगा, अगर आपके घर पर कोई कर्ज आए तो कोई बोलने वाले रास्ता भटकाने वाले कभी हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, ना दोस्त ना रिलेटिव अगर कोई हेल्प करता है तो वापिस वो पैसा मांगता है, बच्चा भी बड़ा होने के बाद शादी के बाद व्यवहार होता है, सखे भाई के अंदर भी हिसाब हो जाता है, तो किसी के बातों पे ध्यान देकर अपना रास्ता मत बदलिए, रुकिए मत, थकिए मत, जो लोग आज मना करने वाले आने वाले वो पीरियड में आपको जुड़ने वाले हैं, रिजेक्शन आएगा, गंदगी में गिरने के बाद उठना चाहिए ना, गंदगी साफ करना चाहिए और आगे के बाद में ध्यान से पैर रखना चाहिए ताकि गंदगी नहीं होगी कपड़े की, तो बिजनेस में रिजेक्शन आने वाले वो बिगिनिंग पीरियड में, और पहले 2-3-4-5-6 महीने के लिए सब नया नया होता है, लेकिन बाद में आपकी टीम में बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं और बहुत आसान होता है, फिर एक एक साल का पैसा 6-6 महीने में आएगा, 3-3 महीने में आएगा, 1-1 महीने में भी आता है, 10-10 साल का पैसा भी लोग 1-1 साल में कमा रहे हैं, 10-10 साल का पेमेंट्स लोग 6-6 महीने में कमा रहे हैं, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, तो सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए
आपको भरोसा रखना होगा, प्रोडक्ट यूज करने होंगे, प्रोडक्ट शेयर करने के लिए तैयार होना होगा, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, सीनियर आपके साथ आएगा, प्लान देखो, भरोसा दे दो, विश्वास दो और सीखो। ये जो सिल्वर डायरेक्टर आप बनोगे ना, इससे आपका क्या गाड़ी बंगला मर्सिडीज नहीं आएगा, इससे आपको सीखने को चांस मिलेगा, आपका पेआउट्स मिलेगा। और जब फास्ट ट्रैक से शुरुआत करते हो तो सभी प्रोडक्ट होते हैं, घर वाले, बीबी, बच्चे, माँ, परिवार, सभी को, लोगों को प्रोडक्ट का फील आता है, यूजर बनते हैं, कोई किसी को भी प्रोडक्ट दे सकता है, अवेलेबल होता है शॉप में, 5-10-20 लाख डालकर लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, हमारे घर में आज का भी प्रोडक्ट होता है। और फास्ट ट्रैक से बेनिफिट क्या होता है, फ्री प्रोडक्ट मिलता है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, उसके बाद रिटेल प्रॉफिट मिलता है, सभी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, मैं जिन लोगों को भी मेरे सीनियर मेरे साथ प्लान दिखाएंगे या मैं दिखाऊंगा, तो मैं खुद बोल सकता हूं जब मैंने प्लान देखा तो मैंने डायरेक्ट फास्ट ट्रैक से शुरुआत किया, क्योंकि मैंने देखा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इनकम बहुत बढ़िया है, जबरदस्त लेवल का पैसा है। और सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए आपको ऐसा आपको हैंड होल्डिंग करेगा, यहाँ पे टूल्स है, www.esa.in के वेबसाइट के ऊपर अपने टूल का ऑर्डर, अपने टीम का ऑर्डर करिए, सनेश कंपनी के जो बुकलेट्स वगैरह मंगवा लीजिए, बैग तैयार करिए, ग्लास डेमो किट तैयार करिए, हमारे सोप हो, हमारा तुलसी ड्रॉप हो, हमारा आकाई सोना हो, पूरी तैयारी के साथ काम करिए। डॉक्टर्स कितना पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिस करते, तो हम ये धंधा क्यों नहीं सीखना चाहिए। तो जिसने भी, किसी ने भी आपको प्लान दिखाया हो, भरोसा करना सीखिए भगवान के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, खुद के ऊपर, सनेश के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान, ये सिस्टम, आई अपलाइन, ये टीम बन रहा है यहाँ पे। और टीम जीतता है, अकेला आदमी नहीं जीतता, ये सर नो, टीम जीतती है बॉस। तो टीम बनाने के लिए अभी जस्ट शुरुआत है। और जो सिल्वर डायरेक्टर बनना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, 2-3-4-5-6 दिन में भी आप सिल्वर डायरेक्टर बन सकते हो यार। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि सिल्वर डायरेक्टर कैसा बनना है। तो YouTube के अंदर बहुत सारा डेटा है, YouTube के चैनल के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट के रिजल्ट, डेमो के रिजल्ट, ट्रेनिंग, IBO, न्यू लोगों के ऐसे फोल्डर बना के रखे, रेडी मटेरियल बना के रखा है। जैसा सुबह दोपहर रात को खा खा कर 3.5 किलो का बच्चा 50-60-70-80-100 किलो बनता है ना, फिर हमारा मेडोलाइट आकर्षण करना पड़ता है। ऐसा ही ये जो खोपड़ी है ना, इसको भरना होगा, बुक पढ़ने होंगे, वीडियो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड, जब जब चांस मिले उसको घुस जाओ, क्योंकि गंदगी से भरा हुआ बच्चा अगर शावर के नीचे खड़ा होगा तो साफ होगा, 1-2 चम्मच पानी डालेंगे तो साफ नहीं होगा। ऐसा ही मैं आने से पहले ये गंदगी भरा पड़ा था, मेरे जब लोग आते थे इनकी भी गंदगी भरा पड़ा था, आपकी भी गंदगी, जो लोग आएंगे उनके अंदर जो सोच, वो थॉट, वो एक्सपीरियंस, जो आदत है उनको है ना, वो गरीबी की आदत है, उनको अमेरिकी आदत देने के लिए रोज उनको हमारे सिस्टम का, हमारे लीडर्स के, हमारे प्रोडक्ट की 1-1.5 घंटा स्टडी करना चाहिए, घर घर बैठकर एक साथ बैठकर वीडियो के अंदर ये चीजें करना चाहिए, सभी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करिए, ड्रेस कोड लीजिए, कुछ टूल्स लीजिए, सबमिट कम्युनिकेशन करिए, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करिए, रॉन्ग प्रमोशन मत करिए, हमारे ग्रुप के रूल फॉलो करिए, हमारे 10 कोर स्टेप क्या है समझ लीजिए, 13 अत्यावश्यक चीजें कौन सी है, 8 ऐसे गाइडलाइन कौन सी है, कार्डिनल रूल कौन से, 8-7 गाइडलाइन कौन सी, ये सी ऐसा है का है, हमारा यूट्यूब है, हमारे फेसबुक इंस्टा पेज है, हमारे लीडर को फॉलो करिए और बदलाव करिए, उनको देखिए, उनको अंडरस्टैंड करिए और ये बिजनेस एज अ कैरियर लीजिए, आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आने वाले पीढ़ी को आप नॉमिनी दे सकते हो, बहुत बड़ा वारस दे सकते हो, बस 3-4-5 साल दिल से सनेज करिए, अपलाइन को फॉलो करिए, भरोसा रखिए, सिस्टम को फॉलो करिए, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास रखिए, यहाँ पे आपको हेल्थ मिलेगी प्रोडक्ट के थ्रू। हम आगे के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, डेली घर के प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट लोगों को आप बेचोगे, शेयर करने के लिए तैयार करोगे, ट्रेन करने के लिए तैयार करोगे, तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा। और आपके टीम में अगर आप सिल्वर डायरेक्टर बन रहे हो, तो आने वाले पीरियड में क्या होगा, मैं आपको एक मैजिक बता देता हूँ। क्या मैजिक बता देता हूं, अगर आप आपके आईडी पे यू आप अगर आपके आईडी पे इस तरह से हमारा 4 लेग पे प्लान खत्म होता है, लेकिन आप अगर 6 लेग पे, कितना लेग पे विशाल सर, कितना 6 लेग पे CDE और F, अगर आप इन लोग 5 लोग 6 लोग है, फास्ट ट्रैक से शुरुआत करते हैं, कितना फास्ट ट्रैक से 15-15 हजार पीवी से, 15-15 हजार पीवी से ये लोग शुरुआत कर रहे हैं,
तो आपको तो कितना चेक मिलने वाला है, 15,000 रुपीज का चेक मिलने वाला है। और ये 6 और आपके 15 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 15 × 6 कितना, 90, 1,05,000 पीवी आपका तो चेक बनने वाला है। लेकिन आगे जाके ये तो हमारा फर्स्ट लेवल है, ये कौन सा लेवल है हमारा, फर्स्ट लेवल है ये हमारा फर्स्ट लेवल है। अगर हम लोग अभी सेकंड लेवल की बात करेंगे, सेकंड लेवल की बात करेंगे तो ये 6 है ये 6 के नीचे 6 × 6 का प्लान करेंगे तो 36 होगी। अगर मैं 20-25 लोगों के अंदर से 6 लोग इस तरह से शुरुआत करते हैं, बाकी कस्टमर बनेंगे, कुछ मना करेंगे, मना करने वाले बाद में आएंगे क्योंकि मेरे पास लिस्ट होगा, लिस्ट, और वो लिस्ट के ऊपर में उनके नाम लिखा होगा। तो ये 6 जो है ये, लेकिन अगर मैं फास्ट टाइम से शुरुआत नहीं करता तो बहुत ज्यादा काम मेहनत करनी पड़ेगी। 4-6 से ही स्कोर बढ़ता है क्या, 4-6 से ही स्कोर बढ़ता है क्या शुभांगिनी, क्या 4-6 से ही स्कोर बढ़ता है। तो ये 6 × 6 अगर 36 लोग 15,000 पीवी से जुड़ेंगे तो पीवी का तो कैलकुलेशन आप खुद करो, लेकिन मैं पैसे का कैलकुलेशन करूंगा। पैसे का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 1,32,000 या 1,33,000 का चेक सेकंड लेवल पे आपको मिलेगा। सिर्फ ये वीडियो बना था मैंने, सिल्वर डायरेक्टर फास्ट कैसे बनना है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि आपका चेक महीने का 1,00,000 भी जा सकता है, जा सकता है। 1,00,000 चेक जाने के लिए बहुत आसान चीजें, 7 चीजें, प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट को शेयर करो, लिस्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट इनवाइट सीखो, करो प्लान, देखो फॉलोअप करो, और लोगों का आफ्टर परचेस प्रोसेस करो, बहुत आसान चीज है। ये हमारा सेकंड लेवल है। और ये अगर थर्ड लेवल पे इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये हमारा थर्ड लेवल होगी, तो थर्ड लेवल पे 36 × 6 अगर करते हैं तो इनकम कैलकुलेशन ऑलमोस्ट जाता है 6,32,000। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ लेवल पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर फोर्थ लेवल का मल्टीप्लिकेशन कर अगर इनकम कैलकुलेशन करेंगे तो है 32,00,000 रुपीज, 32,00,000 रुपीज, इतना बड़ा इनकम होता है। मतलब अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे, शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआत हुआ था 1,500 ऑलमोस्ट यहाँ पे 40,00,000 का इनकम हुआ। अगर इसी को आधा करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, इसी को 10% करेंगे तो 4,00,000 इनकम किधर गया। तो फास्ट सिल्वर डायरेक्टर अगर मैं बनता हूं और मेरे टीम में ही मेरे सीनियर ने जो काम किया वो मैं खुद करना चालू करता था वो, तो महीने का 1,00,000 रुपए, महीने का 6,00,000, महीने का 30,00,000 तक भी पहुंच सकता हूं। इसका आधा करो ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। आप सीखो, और सीखना कब है, जब सीनियर साथ में करते हैं तब सीखो, वीडियो से सीखो, ट्रेनिंग मीटिंग से सीखो, आप करो, करते समय परफेक्ट नहीं सीखे तो रिजेक्शन आएगा। उठो उठो उठो, छोड़ो मत, मन बार बार आपको गिराएगा, लोग आपको गिराएंगे, लोगों की निगेटिव बातें, निगेटिव चीजें सुनोगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा। जैसे बच्चे के पास ब्लेड नहीं देते हो ना, तो मन के साथ कभी निगेटिव विचारों के साथ मन को खड़ा मत करो, नहीं तो मन गंदा हो जाएगा। मन बहुत पावरफुल है, बच्चे के हाथ का ब्लेड लेकर दूसरा टूल उसके साथ देना चाहिए, तो मन आपको रिजेक्ट करेगा, गिराएगा बार बार, लेकिन गिरना नहीं है, लेकिन गिरना नहीं है, फॉलो करना है। आज मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सनेश के लिए इंडिया के अंदर जो मार्केट ओपन हुआ है, USP है, हमारे मैनेजमेंट जैसा मैनेजमेंट नहीं है, हमारे प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट भारत में जग में आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। हमारा बिजनेस प्लान तो वर्ल्ड नंबर है, हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, स्लो कंडीशन है, हर जगह पे पेमेंट्स बांटा हुआ है। तो ये वीडियो को 2-3-4 बार देखिए और इसका डुप्लीकेशन करिए, और इसी के साथ अगर ये चीजें देखिए, ये 6 लोग मतलब ये अगर 6 और ये 36 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेवल पे ऐसे जाएगा बिजनेस। अगर खेलना है तो बड़े लेवल पे खेलो, हो जाओ सीरियस, प्रोडक्ट आपके घर में, प्रोडक्ट ले लो, बेचना सीखो। आज हमारे लोग कोई होटल में जाएंगे तो प्रोडक्ट बेच ले, बस में प्रोडक्ट बेच रहे, ट्रेन में बेच रहे, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को विश्वास के साथ खुद का विश्वास ट्रांसफर कर रहे। मेरे पास विश्वास कब होगा, जब मैं विश्वास
लोगों के अलग अलग फिलिप लेवल सुनूंगा, फील करूंगा, तब विश्वास होगा। तो हो जाओ शुरुआत, दो चीजें खुद अनुभव करके बिलीव पॉजिटिव हो जाओ, या दूसरे के विश्वास के अंदर वो विश्वास लेकर बिजनेस स्टार्ट करो, धमाका करो। मैं तो सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। लोगों का रिजल्ट देखकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों का पैसा देखकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने इंतजार नहीं किया मुझे आएगा, मैं यूज करूंगा और फिर बताऊंगा। नहीं, ये लोग क्या पागल है क्या, क्या दारू पीकर, क्या बंदर है? नहीं ना, ये भी आदमी है, समय बहुत कम है, बहुत कम टाइमिंग में ही हमें कुछ बड़ा करना है। तो लोगों के बिलीफ से सीखो, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखो, लोगों के रिजल्ट से सीखो, लोगों के इनकम से लर्न करना होगा और स्टार्ट करना होगा। तो कैसा लगा वीडियो? बहुत बड़ा ना, बढ़िया ना। आपके लोग भी जुड़ेंगे ना, उनको भी ये बिठा कर सुनो, बैठ कर सुनो, चाय नाश्ता करके सुनो, बैठो उनको, उनका भी दिमाग खुल जाएगा, वो भी लोग फास्ट सिल्वर बनने की ट्राई करेंगे, वो स्पीड से काम करेंगे। अगर बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ग्रुप में भेज दीजिए, लोगों को बिठाइए, और क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया कमेंट्स करिए, डाल दीजिए अंदर। और ये वीडियो आपके और आपके टीम के लिए बहुत बड़े लेवल के लिए काम करेगा। फास्ट सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनना है और महीने का 1,00,000 पे आउट कैसे हिट करना है, एक वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।